हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं सुपर मॉम की रसोई से मैं निवेदिता पाल। फ्रेंड रिमझिम बारिश में मैं एक बढ़िया सा स्नैक लेके आई हूँ आपके लिए, वो भी मूंग दाल का। तो आइए फ्रेंड, हमें मूंग दाल का स्नैक बनाने के लिए किन किन सामग्री की जरूरत चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो फ्रेंड, हमें मूंग दाल का स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल चाहिए, जो मैं थोड़ा भून चुकी हूँ। थोड़ा सा हमें काला जीरा चाहिए, थोड़ा सा हमें सादा नमक चाहिए, थोड़ा सा चाट मसाला चाहिए, थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए और थोड़ा सा तेल चाहिए। हमें यही सब लगेगा फ्रेंड मूंग दाल का स्नैक बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग मूंग दाल में मिक्सर में पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग मिक्सर में मूंग दाल को डाल चुकी हूँ। अभी आइए हम लोग मूंग दाल का पाउडर बना लेते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम लोग चेक कर लेते हैं कि मूंग दाल पीस चुका है कि नहीं। हाँ फ्रेंड, मूंग दाल पीस चुका है। अभी आइए हम लोग मूंग दाल को हम लोग छन्नी में छान लेते हैं। तो फ्रेंड, मूंग दाल को हम लोग थोड़ा छान लेते हैं ताकि और मेन पाउडर निकल के आए। तो फ्रेंड, हम लोग मूंग दाल का पाउडर छान चुके हैं। देखिए पाउडर कितना सुंदर निकल के आया है। तो आइए फ्रेंड, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें मूंग दाल के पाउडर में थोड़ा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा काला जीरा ऐड करना है, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है। फ्रेंड, आपके पास चाट मसाला नहीं रहे तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है। अब इसको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा आपको रिफाइंड तेल ऐड कर देना है। अब रिफाइंड तेल के जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। फिर आपको एक बार और मिक्स कर देना है। फ्रेंड, मिक्स हो चुका है। अभी आपको पानी की सहायता से एक आपको बैटर लगाना है। फ्रेंड, आपको आटा जैसे गूंथना है नरम। देखिए फ्रेंड, हम लोग आटा के जैसे कितना सुंदर गोथ लिए हैं। अभी आइए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको लोई काटना है। अभी आपको लोई को आपको ऑयल देके आपको अभी बेलना है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले लोई को अच्छी तरह से आपको करना है। अभी आपको तेल की सहायता से आपको धीरे धीरे बेलना है। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर अच्छा सा गोल हो चुका है। अभी आपको एक शेप देना है। आप कुछ भी शेप दे सकते हैं। तो मैं एक गोल देना चाहती हूँ शेप। तो आप कोई भी ढक्कन या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऑयल लगा देना है किनारे, फिर आपको करना है। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर हुआ है। आपको ऐसा ही करना है। तो फ्रेंड, सब गोल हो चुका है। अभी आपको ऐसे फोक कर देना है ताकि फूले ना। अभी एक किनारे किनारे आपको निकाल देना है। तो फ्रेंड, ये रेडी हो चुका है। अभी आइए हम लोग स्नैक को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई में तेल ऐड कर देना है। तो फ्रेंड, जब तेल गर्म हो जाए तो हम लोग स्नैक को एक एक करके डाल देंगे।
तो फ्रेंड तेल गर्म हो चुका है, अभी आपको एक एक करके स्नैक डाल देना है। तो फ्रेंड आपको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें एक बढ़िया कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड ये कलर आ चुका है, तो अभी आइए हम लोग स्नैक को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड हम लोग प्लेट में निकाल चुके हैं। फ्रेंड ये दो तरह का स्नैक आपके घर यदि मेहमान आए तो दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं खुशी से और आपको नए नए वीडियो देती रहूँगी। धन्यवाद।